नवीन लोकसभा भवन लोकार्पण आमची भूमिपूजन पासून मागणी नाही। स्पीकर हे लोकसभेचे कस्टडियन असतात, पंतप्रधान एक्झिक्युटिव्हचा भाग आहेत, लोकसभा अध्यक्ष मोठा असतो। जर त्यांच्या हस्ते लोकार्पण होईल तर आम्ही जाऊ। ओम बिर्ला यांच्या हस्ते लोकार्पण करावं, त्याने काही फरक पडणार नाही, आकाश कोसळणार नाही। पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी आलो आहे, पार्टीचा कार्यक्रम आहे, केसीआर पार्टी लोकतंत्र आहे, सर्वांना अधिकार आहे। केरळ मंदिर बंदीबद्दल मला माहीत नाही, मेरठमध्ये खोटे आरोप करून भाजपकडून करण्यात आलेत, चुकीच्या पद्धतीने शिवीगाळ करण्यात आली। भाजप असं करत असेल तर आम्ही सुद्धा त्याच पद्धतीने उत्तर देऊ। अरविंद केजरीवाल यांनी लोकसभेत जेव्हा कलम 370 आम्ही विरोध केला तेव्हा केजरीवाल यांनी समर्थन केलं, आज मात्र रडत बसले आहेत। अरविंद केजरीवाल हे हिंदुत्वाला मानतात, बीजेपीपेक्षा मोठा लीडर असल्याचं केजरीवाल भासवत होते, आता काय झालं पहा। केंद्र सरकारनं जारी केलेला अध्यादेश अवैध आहे पण त्यांना लागू करण्याचे अधिकार आहेत। सुप्रीम कोर्टात गेले तरी लोकसभेत बिल आणतो म्हटल्याने भांडत राहावे लागणार। 370 समर्थन का केलं याचा विचार त्यांनी करावा। भारतीय संविधानानुसार विशिष्ट वयानुसार लग्न करण्याचा अधिकार आहे, हे कोण होतात रोखणारे। महाराष्ट्रात लव जिहाच्या नावावर भाजप आणि आरएसएसनं आंदोलन केलं, त्यातून द्वेष पसरवण्याचं काम केलं, त्यामुळे तो विषय सुप्रीम कोर्टात गेला। रोजगारावर का बोलत नाहीत, शेतकरी मरत आहेत त्यावर का बोललं जात नाही। भाजप प्रणित सभा होतात, मुस्लिम समुदाय विरोधात द्वेष पसरवण्याचं काम केले जाते, ते काही फुलांचा वर्षाव करत नसल्याचं असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलं आहे। तो आपकी पार्टी शिरकत नहीं करेगी कल के? हाँ, हमने कहा है ना, अगर प्रधानमंत्री स्पीकर से कराते हैं तो हम बराबर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का कस्टोडियन जो है वो स्पीकर है। स्पीकर है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है लोकसभा में, स्पीकर बड़ा है। लीडर ऑपोजिशन बड़ा नहीं होता है, इसीलिए तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा अलग ही है, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव अलग है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है। ये प्रधानमंत्री सब में चले आ रहे हैं, तो वो जाएं, उनका नाम तो आ गया ना फाउंडे फ्लैग पे, स्पीकर कराए, ओम बिरला से कराए, क्या होगा? आसमान तो नहीं गिरने वाला है ना, आसमान तो नहीं गिरेगा। दिल बड़ा करें प्रधानमंत्री थोड़ा, उन्होंने तो सजदा किया था पार्लियामेंट को जब पहली मर्तबा गए थे, संविधान किताब उठाकर चूमा था उसको, तो सजदा और अब चूम लिए तो ओम बिरला से कहिए कि करो इनॉग्रेशन। बायकॉट गैंग सर बोल रहे हैं आप लोग? हाँ? बायकॉट गैंग बोला जा रहा है भाजपा की तरफ से। शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बैठते हैं टीवी के ऊपर, ये 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ उन लोगों को, उनका काम है। सर केजरीवाल जी ने आपके पार्टी को अप्रोच किया है सर दिल्ली? नहीं नहीं, हमारा तो राज्यसभा में कोई है ही नहीं, और अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जब 370 हटाया गया था, जिसको मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसका अपोज किया था और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहा था, वो क्यों सपोर्ट किए 370 हटाने का? आज रो रहे हैं जब उनको ख्याल नहीं आया था कि किस तरह से एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो ये इनकी हमेशा से, अरविंद केजरीवाल जो है सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व को फॉलो करता है, और बीजेपी से बड़ा अपने आप को हिंदुत्व का लीडर मानने के, अब देखिए क्या हो रहा है, अब लड़ते रहिए। अब तो ऑर्डिनेंस जो सरकार ने इशू किया है वो अनएथिकल है, मगर लीगली उनको राइट है ऑर्डिनेंस इशू करने का। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर सरकार बोलेगी कि हम पार्लियामेंट बिल ला रहे हैं, अब लड़ते रहिए बाप, 24 आ जाएगा। तो ये तो इनको सोचना चाहिए था कि उन्हें 370 के साथ क्यों साथ दिया सरकार का। लव जिहाद कानून के मंदिरों में आरएसएस पे बैन लगाने की बातचीत की, केरल के केरल में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे आरएसएस की जो शाखाएं होती है उस पर बैन लगाने की बातचीत की गई है, सरकार कह रही है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मुझे नहीं। सर मेरठ में जो हुआ उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मेरठ में तो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, हमारे कॉरपोरेटर्स पूरे खड़े हुए, गैर जरूरी तौर पर बीजेपी के लोग वहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखाए, गैर जरूरी तौर पर गाली गलौज किए और दबाने की कोशिश किए, मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहेंगे कि MIM से मत करिए आप, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम भी आपका जवाब देंगे जमहूरी तरीके से। नागपुर के कुछ मंदिरों में एक ड्रेस कोड लागू कर किया गया है, कल से कुछ नोटिस बोर्ड लगाए हैं, आपका उसमें नहीं, मेरे को नहीं मालूम सर। सर मेरठ के इशू तो आपकी पार्टी शिरकत नहीं करेगी कल के? क्यों साथ दिया सरकार का? लव जिहाद कानून की जरूरत आपको लगती है क्या? हैं? लव जिहाद जैसे कायदे करना चाहिए ऐसे आपको लगता है क्या, जरूरत है उसकी? देखिए भारत के संविधान में जो 18 साल और 21 साल का जो हो जाता है
तो उनको शादी करने का राइट है। तो ये जैसा एक कहावत है कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी, ये कौन होते हैं लव जिहाद के कानून पे बनाने वाले? कैसे बनाएंगे आप, कैसे प्रूफ करेंगे? आप होते कौन हैं? आप लव जिहाद के नाम पर जो महाराष्ट्र में आंदोलन चला वो पूरा आरएसएस और बीजेपी बैक था, उससे नफरत पैदा करने की कोशिश की गई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में वो गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन जिन नेताओं ने उस सभा में उन सभाओं में बकवास भाषण किया, हेट स्पीच, केस बुक किया, FIR होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए वो लोग। आप लग के क्या लव जिहाद का बात कर रहे हैं, नौकरी की बात क्यों नहीं करते? आप रोज़गार की बात करिए, किसान मर रहा है उसकी बात करिए, अब उस पर बात नहीं करेंगे। और पूरा ये बीजेपी बैक प्रोग्राम था, महाराष्ट्र में जितने सभाएं हुई है पूरा गवर्नमेंट बैक था, RSS बैक था प्रोग्राम, और उसमें एक ही मकसद था कि एक समुदाय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत को भड़काया जाए। तो क्या RSS नफरत फैला रहा है, क्या फूल बरसा रहे हैं? फूल बरसा रहे हैं उनका जो ओथ होता है वो ओथ क्या है बताइए? आप पढ़े होंगे ना, आप तो नागपुर के हैं, हम सदा पढ़े होंगे। ओके, थैंक यू।